Hi, hello students, welcome to Pulse Excel. So today in this session we are going to discuss Michaelis-Menten equation from Catalysis chapter. So basically this equation we are going to be study in this chapter to understand the exactly kinetics of your enzyme catalyzed reaction. So अब यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक बताना चाहूंगी स्टूडेंट, जैसे कि एज वी ऑल आर अवेयर अबाउट दैट वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट द एनी ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन मीन्स वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट द रिएक्टेंट एंड योर प्रोडक्ट. ओके, सो वेन योर रिएक्टेंट आर गोइंग टू बी कम्प्लीटली कन्वर्ट इन टू द प्रोडक्ट वाया इंटरमीडिएट, बराबर. तो ये हुआ आपका जनरल ऑर्गेनिक रिएक्शन. बट वेन एवर वी आर गोइंग टू बी डीलिंग विद दी योर एंजाइम, वॉट आई एम सेइंग एंजाइम कैटेलाइज टाइप ऑफ द रिएक्शन वेयर योर सबस्ट्रेट. अब ये जो रिएक्टेंट होता है इसमें हमारे दो पार्ट होते हैं हमेशा, वन विल बी योर सबस्ट्रेट एंड अनदर वन विल बी योर रिएजेंट. सो दिस सबस्ट्रेट एंड द रिएजेंट विल बी रिएक्टिंग टूगेदर एंड वी विल गेट योर प्रोडक्ट. सो द एंजाइम कैटेलाइज टाइप ऑफ द रिएक्शन एक्चुअली योर एंजाइम, ओके, दैट इज गोइंग टू बी रिएक्टेड विद योर सबस्ट्रेट एंड देन फाइनली यू विल गेट योर प्रोडक्ट. तो इसका जो काइनेटिक्स है मीन्स हाउ दिस सबस्ट्रेट आर गोइंग टू बी कन्वर्टेड इन टू द प्रोडक्ट थ्रू वॉट यूर बाय यूजिंग द कैटलिस्ट. अब यहाँ पर जो हम लोग कैटलिस्ट जो यूज करेंगे टू कैरीड आउट यूर कम्प्लीट रिएक्शन वो आपका कैटलिस्ट यहाँ पे होगा एंजाइम. सो टू अंडरस्टैंड द एग्जैक्टली द काइनेटिक्स ऑफ दिस एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन वी आर गोइंग टू बी डीलिंग दिस इक्वेशन, उसे हम लोग यहाँ पर बोलते हैं माइकलिस मेंटेन इक्वेशन. आई होप सो यू शुड अंडरस्टैंड. नाउ मेन की पॉइंट ओवर हियर इज दैट एंजाइम कैटलिसिस, ओके, जो हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं, इट इज अ वन टाइप ऑफ योर होमोजेनियस कैटलिस्ट एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टाइप स्टूडेंट्स. व्हाई? बिकॉज योर एंजाइम्स आर वन टाइप ऑफ द प्रोटॉन विच आर हैविंग हाई रिलेटिव मोलर मास ऑफ ऑर्डर 10,000 और इवन मोर देन दैट, ओके, विच इज बेसिकली डिराइव फ्रॉम योर लिविंग ऑर्गेनिज्म. ओके, एंड वन मोर थिंग इज स्टूडेंट, वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट द एनी एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन काइनेटिक्स टू अंडरस्टैंड द मेकेनिज्म बिहाइंड इट वी आर गोइंग टू बी डिराइव दिस माइकलिस मेंटेन इक्वेशन. ओके, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकेंड की पॉइंट इन दिस स्टूडेंट, वॉट आई अर्लियर सेड दैट दिस इक्वेशन आर गोइंग टू बी यूज टू स्टडी द मेकेनिज्म ऑफ काइनेटिक्स ऑफ योर एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन. सो we are going to be now started with your actual session that you just take out. So to understand this complete reaction, okay, as earlier I said that in the basic step, the step one will be your formation of your enzyme and substrate complex will be taking place. So sabse pehle yahan pe aapka general jo reaction hota hai enzyme catalyzed reaction mein, wo student kya hoga, that your substrate are going to be convert into the product, ओके, जिसमें अब हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे कैटलिस्ट, और वो आपका कैटलिस्ट यहाँ पे होगा एंजाइम. ओके, दैट यू शुड कीप इन माइंड. तो सबसे पहले यहाँ पे जो स्टेप वन होगा वो होगा आपका स्टूडेंट यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. अब यहाँ पे ई का मतलब है स्टूडेंट यहाँ पे फ्री एंजाइम, एस विल इंडिकेट टू यू सबस्ट्रेट. सबस्ट्रेट इज नथिंग बट दी वॉट यूर स्टूडेंट रिएक्टर, ओके, एंड वी आर गेटिंग द इंटरमीडिएट. अब यहाँ पर जो ई एस है इट इज अ वन टाइप ऑफ द कॉम्प्लेक्स, वी शुड अंडरस्टैंड इट इज अ वन टाइप ऑफ द इंटरमीडिएट एज अर्लियर आई सेड दैट. ठीक है, सो इन द स्टेप टू वॉट विल हैपन द डीकम्पोजिशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स. तो जो यहाँ पे स्टेप वन में आपका जो कॉम्प्लेक्स बनेगा दैट इज गोइंग टू बी नाउ डीकम्पोज इन टू द योर स्टेप टू. सो फाइनली यू विल गेट ओवर योर प्रोडक्ट एंड योर एंजाइम विल बी कम्प्लीटली फ्री. तो यहाँ पे वो अगेन रीजनरेट होगा. सो इन द स्टेप वन वॉट विल हैपन स्टूडेंट, योर एंजाइम विल बी कंज्यूम इन टू द स्टेप वन, बट वेर एज इन द स्टेप टू इट इज गोइंग टू बी रीजनरेट अगेन. ओके, अब यहाँ पर आप अगर प्रॉपरली देखते हो स्टूडेंट, इन द स्टेप वन एंड इन द स्टेप टू, स्टेप वन विल बी वॉट यूर फास्ट रिएक्शन, वेर एज इन द स्टेप टू द डीकम्पोजन ऑफ योर कॉम्प्लेक्स दैट इज गोइंग टू बी कंसिडर एज द स्लो रिएक्शन. ओके, दैट यू शुड नो. बट अब यहाँ पर मेन जो प्रॉब्लम जो अराइज हुआ वो क्या हुआ स्टूडेंट्स यहाँ पर, सो वेन योर बायोकेमिस्ट मीन्स योर माइकलिस, ओके, these are the scientists. So when experimentally they are going to be carried out the mechanism to understand the kinetics of your enzyme catalyzed reaction, the Michaelis, okay, and the Mies Mod Menten propose the mechanism for this. Okay, so they understand that there is in practically actually this equilibrium, okay, is not going to be achieved in the first step. What I am saying, this equilibrium means your true equilibrium is not achieved in the first step.
because the subsequently your slow reaction will be completely remove out this enzyme. Means what will happen in the slow reaction is constantly removing the intermediate enzyme substrate complex. So yahan par iska indication kya hota hai student, in this case the generally the enzyme ka jo aapka concentration hai, okay, that is very very less than your substrate concentration. What I'm saying that your enzyme, okay, concentration is very very less than your substrate concentration, okay, so that's why here we have to assume some approximation. So that problem can be handled by the two ways. Either you are going to be considered the equilibrium approximation or the steady state approximation. So yahan par ab hum is consider kya karna hai student, steady state approximation. Ab yahan pe jo hum log use kar rahe steady state approximation, iska matlab main sabse pehle aapko batana chahungi student that what is the meaning of steady state approximation. Jaise ki ab yahan par hum log jo ye reaction study kar rahe enzyme catalyzed reaction, uska hum log kya study kar rahe student, kinetics. So to understand the kinetics, hum log jab rate likhte hai uska, us rate ke liye hamesha hum log student kaun sa reaction consider karte hai, slow rate. Ab agar hum log ye do step yahan par jab reaction mein dekhte hai, so in this case what will happen, these actually स्लो वे जो है हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप दैट इज गोइंग टू बी डजंट एग्जिस्ट. तो ये यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं है बराबर. तो वेन एवर दिस सिचुएशन आर गोइंग टू बी अराइजिंग एट दैट टाइम वी आर गोइंग टू बी अप्लाइंग ओवर योर स्टेडी स्टेट अप्रोक्सिमेशन. आई होप सो यू शुड अंडरस्टैंड. सो इन सच केसेस मतलब जहां पर आप रिएक्शन को इन्वेस्टिगेट कर रहे हो as a slow rate determining step, it doesn't exist. So in that case we have to assume the steady state approximation for your short life. What I'm saying, short life जो intermediate होता है आपका जो complex जो form हो रहा है उसके लिए हम लोग यहाँ पे steady state approximation को consider करते हैं, ठीक है. So according to this theory, okay, your slow rate determining जो step है आपका rate of reaction जो है वो क्या होगा आपका. So your rate, जैसे कि मैंने बोला आपका substrate किसमें convert हो रहा है, यहाँ पर डायरेक्टली प्रोडक्ट में थ्रू फॉर्मेशन ऑफ योर एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स. तो यहाँ पे रेट क्या होगा आपका सब्सट्रेट क्या हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम गोज ऑन डिक्रीजिंग. तो आप इस तरह से उसको लिखोगे डी अपॉन डी टी सब्सट्रेट, ओके, कॉन्सेंट्रेशन. प्रोडक्ट यहाँ पे क्या हो रहा है आपका फॉर्म हो रहा है, सो द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट. तो दैट्स वाई यहाँ पर आपका प्लस साइन होगा. सो डीपी अपॉन डी टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. अब यहाँ पे जो के टू ई एस है, वाई इट शुड बी के टू ई एस नॉट विद रिस्पेक्ट टू टाइम स्टूडेंट, बिकॉज द सिंपल रीजन इज दैट यहाँ पर ये आपका क्या है शॉर्ट लाइफ इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है, ओके, विच इज वॉट कंटिन्यूसली डीकम्पोज हो रहा है इन द स्टेप टू, जहां पर आपको एक्जैक्टली क्या नहीं मिल रहा है इक्विलिब्रियम दैट कैन नॉट बी ऑब्जर्व. So that's why we are going to be directly consider their rate as a K2, क्योंकि यहाँ पर हम लोग क्या करें डायरेक्टली इसको हम लोग डीकम्पोज कर रहे हैं इनटू द प्रोडक्ट. सो दैट इज वेरी स्लो विच इज एक्चुअली नॉट प्रैक्टिकली ऑब्जर्व कंडीशन. सो हम लोग यहाँ पर उसको लिखेंगे K2 जो आपका रेट है, वॉट योर इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स. सो आफ्टर राइटिंग दिस स्टेप स्टूडेंट वॉट विल बी द योर नेक्स्ट पार्ट ओवर हियर. सो इन द नेक्स्ट स्टेप वॉट यू आर गोइंग टू बी डू द योर दिस रेट. अब आपका जो यहाँ पे एंजाइम सब्सट्रेट जो कॉम्प्लेक्स है उसका रेट क्या होगा स्टूडेंट, जस्ट टेक अ लुक. आई एम नाउ जस्ट गोइंग टू बी राइटिंग डाउन हियर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. सो नाउ ओवर हियर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम योर डी ई एस अपॉन डी टी, ओके, दैट शुड बी नाउ आई एम गोइंग टू बी राइटिंग द रेट फॉर दिस. तो अगर यहाँ पर अगर मुझे एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स का अगर मुझे रेट लिखना है तो वो यहाँ पर स्टूडेंट क्या होगा, जस्ट टेक अ लुक. अब K1 यहाँ पे रेट फॉर्म हो रहा है कब, जब आपका एंजाइम और सब्सट्रेट यहाँ पे क्या हो रहा है कंबाइन हो रहा है. सो दैट्स व्हाई यहाँ पर क्या होगा पॉजिटिव साइन आपका आएगा दैट K1, ओके, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सब्सट्रेट, ओके, माइनस. अब भी क्यों, बिकॉज एंजाइम सब्सट्रेट से ये जब ये रिवर्स जा रहा है तो आपको क्या मिलेगा, फिर से इसका डीकम्पोजिशन मिलेगा, मतलब एंजाइम एंड सब्सट्रेट मिलेगा. सो दैट्स व्हाई नेगेटिव साइन K माइनस वन विच इज इंडिकेट्स दी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ योर एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स, ओके. अब यहाँ पे माइनस क्या होगा बिकॉज योर K2, ओके, अगेन गिव्स मी व्हाट योर प्रोडक्ट बट फ्रॉम विच एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स. सो दैट्स व्हाई अगेन K2, ओके, यहाँ पर आपका होगा एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ई एस, ओके, आई होप सो. अब यहाँ पे स्टेडी स्टेट अप्रोक्सिमेशन में यह आपका इक्विलिब्रियम यहाँ पे एग्जिस्ट होता ही नहीं, जिसके लिए हम लोग यहाँ पे उसका वैल्यू कंसीडर करते हैं स्टूडेंट जीरो. तो यहाँ पर आपको मिला स्टूडेंट इक्वेशन नंबर टू. आई होप सो यू शुड अंडरस्टैंड. तो अब यहाँ पर आप अगर देखते हो यू विल गेट योर टू इक्वेशन. ये वो आपका ओवरऑल जो रिएक्शन है मतलब आपका सबसे प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट हो रहा है थ्रू दी योर इंटरमीडिएट. सो दैट शुड बी योर रेट. अब यहाँ पर जो मैंने रेट लिखा है वो रेट होगा आपका स्टूडेंट एंजाइम
और सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का, तो ये उसका रेट, जिसे हम लोग रेट लॉ भी बोलते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट यहाँ पे आपको प्रॉपरली ये समझना है कि रेट ऑफ द रिएक्शन एंड रेट लॉ एग्जैक्टली क्या है, ठीक है। सो बाय यूजिंग व्हाट स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन फॉर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स वी हैव दिस इक्वेशन टू, ये हमें अभी यहाँ पे मिला। अब सेकेंड यहाँ पर स्टूडेंट क्या है, द फ्री एंजाइम जो आपका ई यहाँ पर जो डिनोट किया है, दैट कैन नॉट बी मेजर एक्सपेरिमेंटली, हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंटली मेजर नहीं कर सकते, बिकॉज द इक्विलिब्रियम बिटवीन योर फ्री and your bound enzyme, that can be given by what your enzyme conservation equation. अब enzyme conservation equation यहाँ पर क्या होता है student? I'm just going to be writing down. So here E naught, okay, is equal to E plus ES. अब ये जो आपका equation है, इसे हम लोग यहाँ पर student बोलते हैं enzyme for conservation equation. अब एंजाइम कंजर्वेशन इक्वेशन का मतलब यहाँ पर स्टूडेंट क्या है, इट इज एक्चुअली योर इक्विलिब्रियम बिटवीन व्हाट यूर, ये फ्री एंजाइम हुआ आपका और ये आपका बाउंड एंजाइम हुआ। सो वेन आई एम गोइंग टू बी मेकिंग कंबाइन टुगेदर, हम जब इसको हम लोग समअप करेंगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, टोटल एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन। सो ई नॉट का यहाँ पर मतलब है आपका टोटल एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन, तो ये टोटल एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन आपको किससे मिलेगा, बाय अप्लाइंग योर फ्री एंजाइम अलॉन्ग विद योर एंजाइम बाउंड, मतलब जो आपका एंजाइम यहाँ पे बाउंड हो रहा है। तो अगर मुझे यहाँ पे फ्री एंजाइम चेक करना है तो आपको इक्वेशन यहाँ पे क्या मिलेगा स्टूडेंट, दैट ई नॉट मतलब टोटल एंजाइम जो है उसका कॉन्सेंट्रेशन माइनस आपका कौन सा होगा यहाँ पर स्टूडेंट, बाउंड एंजाइम, तो जिससे मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, फ्री एंजाइम मिलेगा, ठीक है, दैट यू शुड अंडरस्टैंड। अब यही मुझे यहाँ पे क्या मिला, इक्वेशन थ्री मिला, ठीक है। अब मुझे क्या करना है स्टूडेंट, वॉट एवर आई विल गेट हियर इक्वेशन थ्री, दैट इक्वेशन नाउ आई जस्ट सपोज टू पुट इन टू द इक्वेशन टू। अब मुझे क्या करना है, दिस इक्वेशन थ्री, ओके, पुट इन टू इक्वेशन टू। अब मुझे क्या करना है, इक्वेशन थ्री को ये जो इक्वेशन है टू में ऐड करना है। सो जस्ट नाउ टेक अ लुक व्हाट इक्वेशन आई विल गेट ओवर हियर, फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम your enzyme substrate complex, I am just going to be writing down, is equal to, अब मेरे पास यहाँ पर क्या है K1, अब यहाँ पे क्या है मेरा, ये free enzyme है, free enzyme आपको क्या मिला equation 3 से student, just put this value, the E naught minus ES, ठीक है, I am just going to be substitute this value, अब यहाँ पे आपका substrate as such present है outside, minus K minus 1 ES K2 ES, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो। अब ये मुझे मिला नेक्स्ट इक्वेशन, विच इज इक्वेशन नंबर स्टूडेंट व्हाट यूर, इक्वेशन नंबर फोर, आफ्टर पुटिंग योर इक्वेशन व्हाट थ्री इंटू इक्वेशन टू। सो आफ्टर गेटिंग दिस इक्वेशन यू जस्ट कलेक्ट ऑल द सिमिलर टर्म ऑन टू द वन साइड, अब यहाँ पर जो आपके सेम टर्म्स है उसको आप एक साइड में हटा दीजिए। सो बाय कलेक्टिंग ऑल द सिमिलर टर्म्स यू शुड सिंप्लीफाइंग दिस इक्वेशन, सो आफ्टर सिंप्लीफाइंग व्हाट इक्वेशन यू विल गेट ओवर योर स्टूडेंट, जस्ट टेक अ लुक, आई एम जस्ट गोइंग टू बी सिंप्लीफाई। सो ये हुआ के वन, ओके, ई नॉट, ओके, माइनस के वन ई एस सबसे, तो पहले मैंने इसको क्या किया, इस ब्रैकेट को मैंने सॉल्व किया, माइनस के माइनस वन ई एस माइनस के टू ई एस इज इक्वल टू जीरो। अब हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, सिमिलर टर्म को एक साइड में लेते, तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा स्टूडेंट, दैट के वन ई नॉट, अब यहाँ पर भी स्टूडेंट, ओके आई फॉरगेट द हियर, यहाँ पर आपका सबस्ट्रेट होगा, ठीक है, तो ये क्या हुआ मेरा के वन ई वन सबस्ट्रेट, ठीक है, इज इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट, ये जो आपका टर्म है, ठीक है, ये अगर इज इक्वल टू इस साइड आएगा तो ये आपका टर्म क्या बनेगा, दैट शुड बी व्हाट यूर दैट गेट्स पॉजिटिव, बराबर। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो सिमिलर जो टर्म है ई एस को मैंने क्या कर दिया यहाँ पर हटा दिया, तो मुझे अब क्या मिलेगा यहाँ पर स्टूडेंट, चेक कर लीजिए, के माइनस वन, ओके, प्लस ये यहाँ पर आएगा तो क्या होगा आपका के टू, प्लस ये तो मेरा के वन ऑलरेडी यहाँ पर है। अब ये तीनों आप अगर टर्म देखते हो स्टूडेंट इन दिस केस, सो योर ई एस दैट शुड बी कॉमन, तो यहाँ पर हम लोग पहले उसको लिख देते हैं, ठीक है, बट अलॉन्ग विद व्हाट योर सबस्ट्रेट, कहाँ पर है, के वन के साथ, बराबर ना। अब देख लीजिए के वन एस के माइनस वन के टू, इसको मैंने होल ब्रैकेट में डाल दिया और साइड में मैंने ई एस को हटा दिया, ठीक है, सो यू विल गेट ऑल द सिलेक्टिव टर्म ऑन टू द वन साइड। तो ये हुआ मेरा स्टूडेंट व्हाट यूर इक्वेशन नंबर फाइव, आफ्टर सिंप्लीफाइंग यूर इक्वेशन। So now in the next, what I am going to do,
this enzyme substrate complex I am just going to be writing down onto the one side. तो अब मैंने इसको क्या किया, one side मैंने इसको note down कर लिया. तो मुझे total equation of student बोलो क्या मिलेगा, that your K1 E0 this substrate divided by this total equation. अब ये क्या मुझे मिला, K minus 1 plus K2 plus K1 and this substrate. Okay, so these are the total equation. अब ये आपका equation number student क्या हुआ, equation number 6. Okay, so after solving this equation number 6, what will be the next equation? So now substituting this ES. अब मुझे यहाँ पर क्या मिला student, just tell me. You will get here ES. अब मुझे क्या करना है, this ES substrate complex का जो मुझे mathematical expression मिला, that I am just going to be put into the your equation number V student. कौन से equation में डालोगे आप, equation number 1. तो equation number में यहाँ पर आपका क्या है, K2 is equal to ES. तो अब यहाँ पर जो मुझे मिला equation number 6, I am going to be now putting into the equation 1. So just take a look what will happen over here. So the equation what you are 6 put into equation 1. So ab equation 1 mein agar maine usko put kar diya, so what total equation I will getting over here student. So just take a look what equation I will get. So here your rate, okay, is equal to what will happen. अब यहाँ पे क्या है student बताइए मुझे, that your rate is equal to K2. अब K2 यहाँ पर क्या है आपका ऊपर, और मुझे क्या लिखना है ES substrate complex डालना है. और मेरा ES substrate complex यहाँ पर student क्या है, just take a look, K1 as such ऊपर होगा, यहाँ पर हुआ E0 and then substrate complex divided by K minus 1 plus K2 plus K1 and substrate complex. I hope so you should understand. अब ये मुझे क्या मिला student, after getting the your equation number 6, your equation number 7. तो ये हुआ मेरा equation number 6. So now just now take a look, we are going to be now solve further. Now after getting this complete rate, here you are going to be dividing, okay, your numerator as well as your denominator by K1. So now here I am going to be what, dividing the numerator, okay, and the your denominator by K1. अब मुझे क्या करना है, equation 7 में जो है आपका numerator denominator को मैंने K1 से अगर मैंने divide किया, तो मुझे क्या मिलेगा student equation, that your rate is equal to K2, because K1 get cancel, E0 your substrate concentration divided by K minus 1 plus K2 divided by क्या होगा ये K1, और ये K1 यहाँ से हट जाएगा, तो मुझे यहाँ पर सिर्फ क्या मिलेगा, substrate concentration मिलेगा. ठीक है, so that should be your equation number what student, 8. But अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस equation में जो हमारे concentration जो मेरा term है, which is the concentration term student, that your K2, okay, and this means K minus 1 K2. तो ये जो total मेरा जो term है concentration, that I am going to be now considered as what your Km, जिसे हम लोग यहाँ पर student क्या बोलते हैं, Michaelis constant. Okay, so that's why I am going to be writing down the rate is equal to what your K2, what your free enzyme concentration, substrate concentration, Km plus substrate, where your Km will be your Michaelis constant. Why this constant giving name as a Michaelis? Because the Michaelis and Michaelis-Menten, they are going to be propose this mechanism to understand the kinetics of your enzyme catalyzed reaction. So that's why this constant will be giving the name as a what your Michaelis constant. So therefore your Km is nothing but what student, I am going to be writing down K minus 1 plus K2 divided by K1. So ye hai aapka Michaelis constant that you should remember over here. Okay, now after writing down, Km is not actually equilibrium constant student, this is a Michaelis constant. So the equation, okay, your 8, okay, that actually known as what your Michaelis equation. तो जो हमने यहाँ पे equation को derive किया, उसे हम लोग student यहाँ पर क्या बोलेंगे, Michaelis-Menten equation. ठीक है, I hope so you should understand total this equation. तो ये जो आपको यहाँ पर मिला है equation, उसे ही हम लोग यहाँ पर student उसे क्या बोलते हैं, Michaelis-Menten equation. But now your further simplification to make this easy is that student, what will happen when your all the enzyme, okay, are going to be reacted with the substrate at the higher concentration, then your reaction will be going at maximum rate, definitely. So in that case your free enzyme will remain. So in that case what will happen, your free enzyme and your enzyme substrate, okay, means your ES complex, okay, that is going to be equal. So that's why your rate
at maximum concentration, okay, that should be K2 is equal to E naught. अब ये condition कब arise होगा आपका equation 15 में, when your no free enzyme will remain present into the enzyme catalyzed reaction. अब यहाँ पर मैं आपको एक slope निकाल के बताऊंगी, from that slope you should understand properly. So just take a look. I'm just going to be plotting here one graph. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका रेट यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, ठीक है. अब यहाँ पर जो आपका ये जो स्टेडी स्टेट लाइन यू विल गेट, ये आपका यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट, मैक्सिमम रेट. तो ये यहाँ पर आपका होगा स्टूडेंट मैक्सिमम रेट, जिसे हम लोग मैक्सिमम रेट को यहाँ पर बोलेंगे वी मैक्स. ओके, जहां पर आपका रेट जो ये यहाँ पर क्या हो रहा है वी मैक्स है, सो दैट शुड बी कंसिडर एज अ जीरो ऑर्डर, बिकॉज जीरो ऑर्डर में स्टूडेंट क्या होता है, योर रेट विल बी कॉन्स्टेंट, दैट इज गोइंग टू बी कंप्लीटली स्ट्रेट लाइन. तो ये वो हमारा जीरो ऑर्डर. अगर मैंने यहाँ पे इन बिटवीन आई एम गोइंग टू बी प्लॉटिंग द लाइन ऑन द एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो ये यहाँ पे मेरा क्या है ऑन द वाई एक्सिस, देर विल बी द योर रेट आर गोइंग टू बी इंक्रीजेस, वेयर दीज आर दी योर सबस्ट्रेट, मीन्स योर सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन. तो ये मेरा यहाँ पर क्या है, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन दैट आर गोइंग टू बी इंक्रीजिंग. तो ये यहाँ पर जो मेरा कॉन्सेंट्रेशन, ये जो मेरा पॉइंट है, इसे हम लोग यहाँ पर बोलते हैं के एम, विच इज योर माइकलिस कॉन्स्टेंट. ओके, और यहाँ पर जो आपका रेट होगा, ओके, इसका रेट अब ये यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. सो जब आपका यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन का जब रेट इंक्रीज होता है, जिसे हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं स्टूडेंट, फर्स्ट ऑर्डर बोलते हैं इन योर काइनेटिक्स टर्म. तो अगर ये आपका रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर होगा, तो उसका रेट यहाँ पर क्या होगा, दैट योर मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ योर सबस्ट्रेट विथ रिस्पेक्ट टू योर माइकलिस कॉन्स्टेंट. तो ये आपका रिएक्शन का ऑर्डर होगा इन द केस ऑफ योर फर्स्ट ऑर्डर. तो यहाँ पर ये जो रेट है आपका, ये यहाँ पर आपका रेट क्या होगा, हाफ होगा, जिसे हम लोग यहाँ पे लिखते हैं हाफ वी मैक्स, मतलब जो आपका हायर कॉन्सेंट्रेशन है उसका यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है स्टूडेंट, हाफ रेट आई एम गोइंग टू बी डिराइव. तो ये हुआ आपका टोटल, मतलब ये मेरा ओवरऑल जो रेट है फर्स्ट ऑर्डर, बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन आर गोइंग टू बी इंक्रीजेस, सो आई एम गोइंग टू बी राइटिंग डाउन दिस. यहाँ पर आपका रेट क्या हो रहा है, डेफिनेटली कॉन्स्टेंट हो रहा है, तो ये आपका जीरो ऑर्डर हुआ, ठीक है. सो डिपेंडिंग अपॉन, ओके, यू बाय प्लॉटिंग द ग्राफ रेट वर्सेस योर सब्सट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, यू केम टू नो एक्जैक्टली द ऑर्डर्स, मीन्स काइनेटिक ऑफ योर एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन इन दिस केस. ओके, एंड सेकेंड थिंग आई जस्ट गोइंग टू बी टेल यू ओवर योर स्टूडेंट, दैट योर माइकलिस कॉन्स्टेंट जो होता है के एम, ओके, इज इक्वल टू द योर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सब्सट्रेट. फिर से सुनिए सर व्हाट आई एम सेइंग ओवर हियर, योर माइकलिस कॉन्स्टेंट मीन्स योर के एम इज इक्वल टू दैट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ योर सब्सट्रेट एट विच, ओके, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, व्हाट रेट ऑफ, ओके, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम रेट ऑब्टेन एट हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ योर सब्सट्रेट ऑफ एस. तो यही मैंने यहाँ पर प्लॉट किया है, विच आई एम गोइंग टू बी टेलिंग यू इन टर्म्स ऑफ योर वर्ड्स. ओके, आई होप सो यू शुड अंडरस्टैंड प्रॉपरली. सो जस्ट टेक अ लुक वंस अगेन व्हाट आई एम गोइंग टू बी टोल यू द माइकलिस मेंटेन इक्वेशन. तो सबसे पहले मैं फिर से आपको रिवाइज करना चाहूंगी, माइकलिस मेंटेन इक्वेशन हम लोग किसके लिए स्टडी कर रहे हैं, टू अंडरस्टैंड द काइनेटिक्स ऑफ योर एंजाइम कैटालिज रिएक्शन. ये जनरल बेसिक रिएक्शन होता है स्टूडेंट आपका, जैसे कि आप ऑर्गेनिक रिएक्शन स्टडी करते हैं उसी तरह से आपका ये रिएक्शन होता है, जिसमें आपका एंजाइम रोल होता है एज अ कैटलिस्ट का, जो होमोजेनियस कैटलिस्ट है वो सबस्ट्रेट के साथ कंबाइन होता है, फिर हमें प्रोडक्ट मिलता है, जिसके हमारे दो स्टेप हैं. स्टेप वन में आपका वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा और स्टेप टू में वो कॉम्प्लेक्स डिकम्पोज होगा, बिकॉज कैटलिस्ट नेवर पार्टिसिपेट इन टू द एनी रिएक्शन. सो इन द स्टेप वन इट इज गोइंग टू बी कंज्यूम, वेर एज इन स्टेप टू इट इज इमीजिएटली वॉट regenerated. So that's why they are not going to be truly achieve the equilibrium. So here what will happen, we are not going to be exact locate the rate determining state. So for that reason we are going to be what, approach the steady state approximation condition. So by applying steady state approximation to understand the rate of reaction, we will get this equation which is known as equation number 1. Then we are going to be applying this approximation for your steady state what, complex, jo hamara enzyme substrate complex hai. To understand that rate, we are going to be applying this approximation. तो उसे मैंने ये रेट लिखा, which is also known as what, your rate law. ठीक है, so after writing this, I am going to be what, consume over here one main equation, which is very very important student, that you should keep in mind. ओके, ये एग्जाम में आपको बहुत प्रॉपरली याद रखना है, एंजाइम कंजर्वेशन इक्वेशन. सो आफ्टर गेटिंग द एंजाइम कंजर्वेशन इक्वेशन, दैट इक्वेशन फर्स्ट यू आर गोइंग टू बी पुट इनटू द इक्वेशन नंबर 2, मतलब जो आपका एंजाइम सब्सट्रेट जो कॉन्सेंट्रेशन है उसमें आपको पुट करना है, देन उसको सिंप्लीफाइड कीजिए इक्वेशन को. सो आफ्टर गेटिंग दिस फाइनल इक्वेशन, दैट इक्वेशन यू शुड पुट इनटू द योर इक्वेशन नंबर 1.
सो इक्वेशन वन में पुट करने के बाद जो आपको यहाँ पे कांस्टेंट इक्वेशन मिलेगा उस इक्वेशन को यहाँ पर हम लोग बोलते हैं माइकलिस मेंटेन इक्वेशन. ओके सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स वॉचिंग दिस वीडियो. इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस. एंड वंस अगेन आई टेल यू इफ यू रियली हैव एनी प्रॉब्लम इफ यू नॉट अंडरस्टैंड यू डेफिनेटली आस्क मी आई डेफिनेटली रिजोल्व यू ऑल द प्रॉब्लम. सो वंस अगेन थैंक्स अ लॉट.